जय श्री राम, जय पुष्राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय बिहार। रात के 12:30 बज गए हैं और इतने रात को मैंने सोचा कि जो मेरे पास एक अपडेट है, क्योंकि हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद रुक गए थे वहाँ पर, तो कुछ पल हैं, कुछ समय हैं, एक भावुक पल, जो बिहार के डीजीपी क्या सोचते हैं पर्सनली तौर पे, और बिहार के जो सीएम हैं उनका क्या सोच है सुशांत सिंह राजपूत को लेकर के, ये चीज़ हमने रिकॉर्ड किया, ये चीज़ हम आपके सामने लेकर आए हैं, और आप खुद देख लीजिए कि कैसे बिहार के डीजीपी सुशांत सिंह राजपूत को लेकर के कैसे भावुक हो गए, और वो किसी भी कीमत पे इस जांच को पूरा करके जस्टिस ज़रूर दिलाएंगे हमारे भाई सुशांत सिंह राजपूत को। तो ये वीडियो आपके लिए है, आप ज़रूर देखें इस वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आपसे एक आग्रह रहेगा कि शेयर करने के साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, आपका मैं बहुत बड़ा आभारी रहूँगा। आगे का वीडियो आपके लिए। उम्मीद करता हूं कि अब आगे से मुंबई पुलिस का भरपूर सहयोग मिलना चाहिए। तो मैं अपील करता हूं, अनुरोध करता हूं, आपके माध्यम से ही ये बात मुंबई पुलिस तक पहुंच जाए कि वे उनकी सुरक्षा का इंतजाम करिए, उनको एक वाहन दे दीजिए और उनके रहने का कोई सेफ जगह का इंतजाम कर दीजिए, इतना सहयोग दे दीजिए। और बाकी मेडिकल लीगल एविडेंस जो है उसके कलेक्शन में हमने लिखित रूप में वहाँ मांगा है, हमारी टीम ने, भाई ऐसे FSL रिपोर्ट चाहिए, PO का इंक्वेस्ट रिपोर्ट चाहिए, PM रिपोर्ट चाहिए, CCTV फुटेज चाहिए, घटना स्थल का, सराउंडिंग का, वीडियोग्राफी PO का हो तो वो चाहिए, और ऑल अदर डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू दिस केस तो चाहिए। तो हम उम्मीद करते हैं कि आगे से मुंबई पुलिस हम लोगों को बहुत अधिक सहयोग करेगी। और अब देखिए, सत्य तो पहुँचना है, पूरा देश उबल रहा है, युवाओं में इतना आक्रोश है, पूरे देश में, चाहे वो बिहार की बात नहीं है, सुशांत केवल बिहार का बेटा नहीं था, पूरे हिंदुस्तान का बेटा था, पूरे हिंदुस्तान का सेंटिमेंट उसके साथ जुड़ा हुआ है, लोग जानना चाहते हैं कि सुशांत के साथ आखिर हुआ क्या। तो ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है और हमारी लीगल भी जिम्मेदारी है कि हम सत्य को उद्घाटित करें, और मुंबई पुलिस की भी ये नैतिक और वैधानिक जिम्मेवारी, हम दोनों एक दूसरे को सहयोग करके और सच्चाई तक पहुँचे, और सच्चाई तक तो पहुंच करके रहेंगे। हमारे मुख्यमंत्री जी भी ने कहा है सुशांत को इंसाफ दिलाएंगे, तो ऐसे ही नहीं कहा है, संकल्प है उनका कि सुशांत को न्याय दिलाएंगे। हम लोग तो उसके लिए कुछ भी करेंगे, किसी हद तक जाएंगे, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि ये मुंबई पुलिस बिहार पुलिस नहीं है, ये देश का एक बेटा नुकसान हुआ है, जो बहुत ही तेज तर्रार था, मेधावी था, जो लाइफ में सक्सेसफुल था, जो हमेशा हंसता रहता था, जो हमेशा मुस्कुराता रहता था, खिलखिलाता रहता था, वो एक दीपक बुझ गया है, पूरे देश का सेंटिमेंट उसके साथ है, लोग जानना चाहते हैं कौन ऐसे हालात थे जिसमें एक ऐसे नौजवान लड़के ने जो हमेशा हंसमुख रहता था, लाइफ में हमेशा सक्सेसफुल था, उसने उसके साथ ये हादसा हो गया। ये बहुत ही संवेदनशील मामला है, हम लोगों के हृदय में पीड़ा है, हमारे मुख्यमंत्री जी इतने दुखी थे, जिस दिन घटना हुई उस दिन उनके शोक संवेदना को लेकर के मैं आदरणीय के सिंह के साहब, आप पूछिए, बात करिए, सबसे पहले मैं पहुंचा था, मैंने बताया था माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझको भेजा है, इस घटना से बहुत अधिक दुखी हैं, पता उठाना चाहते हैं, हम किसी पर एलिगेशन नहीं लगा रहे हैं, किसी पर आरोप नहीं लगा रहे हैं, मुंबई पुलिस बहुत प्रोफेशनल रही है, बहुत काबिल लोग हैं, बहुत अच्छे अच्छे पदाधिकारी वहाँ हैं, वहाँ के DGP भी बहुत अच्छे पदाधिकारी हैं, मैं उनको जानता हूँ, मुंबई के पुलिस कमिश्नर भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन मिलजुल करके ही सत्य पर से पर्दा तो उठना चाहिए, ये संकल्प है हमारा, ये संपूर्ण बिहार का, संपूर्ण देश की आवाम का ये संकल्प है। इस मामले को एक अभियुक्त पक्ष के तरफ से माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भी ले जाया गया है, अभियुक्त पक्ष का भी कहना है कि हम जांच नहीं कर सकते, तो अब मामला जब सर्वोच्च न्यायालय में चला गया है, तो जो सर्वोच्च माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश होगा उसका हम पालन करेंगे, लेकिन हमारे मन में और पूरे हिंदुस्तान के दिल में यह बात है कि सुशांत के साथ जस्टिस होना चाहिए, उसको न्याय मिलना चाहिए, सच्चाई सामने आनी चाहिए,
और हमारे मुख्यमंत्री इसीलिए दुखी हैं, दर्ज कॉग्निजेबल ऑफेंस में जो होती है। तो हमारे यहाँ जो प्राथमिकी हुई है, FIR हुआ है कॉग्निजेबल ऑफेंस का, हम तो उसका इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं ना। आरोप तो ये है उसके साथ छल हुआ, चीटिंग हुई, फ्रॉडगिरी हुई और बहुत सारी धाराएं हैं इसमें। उसको इस स्थिति में ला दिया गया कि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। आरोप तो यह है कि ही वाज फोर्स टू कमिट सुसाइड, उसको आत्महत्या के लिए मजबूर किया गया, ये आरोप है। और 6 लोगों पर यह आरोप है, हम तो उसकी जांच कर रहे हैं। तो आपने देख लिया कि कैसे हमारे बिहार के DGP जो किसी पे पर्टिकुलरली आरोप नहीं लगा रहे हैं, किसी भी महकमे को ये नहीं बोल रहे हैं कि आप किसी भी प्रोफेशनलिज्म में कम हैं, लेकिन हमें मिलजुल कर काम करना चाहिए। और इतना ही नहीं, हमें गुनहगारों को उस जगह तक पहुंचाना है जहां पर उन लोगों का जगह होना चाहिए। तो ये हमारे बिहार के DGP, हमारे CM का सोच है आगे को लेकर के, और हम सब सारे युवा इस चीज़ में साथ खड़े हैं और हम लोग आगे तक जाएंगे। जब तक हमारे सुशांत सिंह राजपूत भाई को जस्टिस नहीं मिलेगा, तब तक हम छोड़ेंगे नहीं। टिल देन, आप लोग इतने रात को हमारे वीडियो को देख रहे हैं, कोशिश कीजिएगा इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, हम आपके बहुत आभारी होंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम, जय पुष्राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय बिहार।